नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो खबर है वह बिहार के मनरेगा योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से मनरेगा पर जो है कि अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, साथ ही बिहार के वार्ड सदस्य वार्ड सचिवों को मनरेगा में मिलेंगे फंड। तो कितनी राशि मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, यह सारी बातें जो है कि हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिहार सरकार जो कि मनरेगा योजना चलाती है, यह पैसा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र से जो है कि बिहार सरकार को प्राप्त होता है, ताकि बिहार में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। विदित हो कि बिहार में श्रमिक कार्ड के तहत श्रमिकों का पंजीकरण सरकार ने करवाया है और सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह पंजीकरण करवाया गया है, जिसमें श्रमिकों का सारा ब्यौरा अपडेट हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट को श्रमिकों की पूरी संख्या का भी पता चल चुका है। इसी को ध्यान में रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाए जाने का नियम था, जिसे बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया गया है। साथ ही मजदूरी जो है कि पहले कम थी, अब 202 रुपये प्रति व्यक्ति जो है कि मजदूरी निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने जब यह जाना कि बिहार के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, महज 200 से 400 रुपये लेकर मनरेगा मजदूरों को जो है कि देकर 200 से 400 रुपये और बाकी के पैसा जो है कि जनप्रतिनिधि जिनमें मुखिया जी और पंचायत के कर्मचारी शामिल है इन लोगों के द्वारा हड़प लिया जाता था। जब इस तथ्य से पूरा जो है कि बिहार सरकार अवगत हुई तो बिहार सरकार ने अब इस पर नकेल कसने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नया जो है कि खाका तैयार किया है। इसके तहत जो है कि बिहार में अब मजदूरों का ऑनलाइन हाजिरी बनाने का नियम मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। जी हाँ, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन जो है कि ऑन द स्पॉट मजदूरों की हाजिरी बनेगी, जिसमें उनका डाटा के साथ साथ फोटो भी अपलोड किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसमें जो है कि मजदूरों के चयन और जो है कि कार्य के क्रियान्वयन के लिए वार्ड सचिव और वार्ड सदस्यों को 3-3 लाख रुपए सरकार जो है कि मनरेगा से मुहैया कराएगी, जिससे वे अपने वार्डों में जो है कि मनरेगा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। इसमें जो है कि वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य की भूमिका सरकार ने तय कर दी है और इसके तहत जो है कि वार्ड सदस्यों को अब 3 लाख रुपये जो है कि मनरेगा के तहत मिलेंगे, जिससे जो है कि ये लोग मनरेगा योजना का कार्यान्वयन तो करेंगे ही, साथ ही इन लोगों को जवाबदेही दी गई है कि मजदूरों को 100% राशि का भुगतान समय पर जो है कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना, यदि बहुत सारी जवाबदेही जो है कि देने जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से इस तरह का जो है कि अपना प्रस्ताव तैयार किया है। विदित हो कि पहले से जो मजदूर काम नहीं करते थे उन लोगों को सरकार जो है कि बेरोजगारी भत्ता के रूप में राशि भेजती थी और वह पैसा मजदूरों के खाते से महज 200 से 400 रुपए मजदूरों को देकर सारी राशि जो है पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा हड़प लिया जाता था। इसी को लेकर वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों की भूमिका भी अब मनरेगा में तय कर दी गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि बिहार में इस जो नया सिस्टम लागू किया जा रहा है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका लाभ कितने मजदूरों को मिलता है और सरकार इस पर जो है कि गंभीर है। तो दोस्तों आज की जो है कि प्रमुख खबर हम आपको बता चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।